वो आपके कदमों में, हाँ सुने जरा। तो वो क्या होता है, वो ऐसा कौन सा अमल करते हैं जो महबूब आपके कदमों में लेकर आ रहे होते हैं? वो ऐसा कौन सा अमल करते हैं जो महबूब आपके कदमों में आ जाता है? ये जल्लाद कुछ भी होता है वो कदमों में क्या, वो बहुत ही दूर हो जाता है कि दस्तरस से ही दूर हो जाता है। हाँ। वो जादू होता है या क्या होता है? वो महबूब ही क्या जिसको कदमों में लाने की जरूरत पड़ी? हाँ क्या जरूरत है, जूते की दुकान पे चले जाओ भाई, मैं 6 नंबर का जूता लिया। तो वो क्या होता है, वो कौन सा अमल होता है? ऐसा होता है कि जगह जगह लिखा होता है बंगाली कौन सा अलग अलग। हाँ ये जो जाली आमिलों की बात कर रहे हैं कि यार ये दीवारों पे लिखा होता है कि महबूब कदमों में और पता नहीं और क्या क्या सेंसर हो जाएगा। काबू कर ले, काबू कर ले सामने वाले, काबू कर ले आप। लोग कहते हैं नहीं माया, लोग कहते हैं कुछ ऐसा बता दे मुंह बंद करवा दें किसी का, तो ये होता है। अपना मुंह बंद कर ले, अपना मुंह बंद कर ले, थोड़ा सा सबर कर ले, बर्दाश्त कर ले। सबर ही तो नहीं है, सबर नहीं जाएगा। अच्छा अक्सर औकात शोहरों को भी काबू करने के तरीके बताए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये खिला दो वो खिला दो, यूं पढ़ दो फलां कर दो ढमा। हम तो बचपन में डरते थे ना जब एग्जाम होता था और हमारे पता होता था हमने पेपर क्या दिया है। हाँ। हमने कोई होने हार हरकत तो थी नहीं, तो डर होता। अम्मा कहती थी बेटा या सब या कुदू सो या कुफुरो पढ़ के भूक देना टीचर, तो मैं डांटेंगी नहीं। हमें ये याद है बचपन की बात, ये तो याद है हमें डांट से बचने के लिए क्या दुआ होती थी। लेकिन ये चीजें नहीं समझ में आती कि किसी का मुंह बंद कर दें, किसी के किसी को कदमों में ले आए। अच्छा शबजाल सुने, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दिस स्ट्रेस, मैं समझ सकती हूँ। अपने अपने प्रोफेशनल के हिसाब से सब इन चीजों से गुजरे, ठीक है। आप शेफ हैं, आपके भी ढेरों कंपेरेटर्स होंगे इस फील्ड में, है ना? सही है। अब मुझे आप सच सच बताइएगा, आप सबसे जिस तरह मिलते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं आपकी अंदर से हमेशा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लेकिन आप बताएं, आपने कभी बगैर नाम लिए ये फील किया कि आप किसी ऐसे शेफ से मिल रहे हो जो आपका कंपेरेटर हो और उससे आपको अनइजीनेस वाली फीलिंग आई हो? यार मैं बाखुदा मैं सच कहूँगा जो भी कहूँगा, बिकॉज के मैं आज तक जिससे भी मिला हूँ ना, मैं ये सोच के ही नहीं मिला कि वो मेरे मुकाबले खड़ा हुआ है या वो मेरे से ऊपर है या वो मेरे से नीचे है। मैं हमेशा उस शख्स से इंसान समझ के उसको मिला। नहीं आपकी बात देखिए, मैं पहले कहूंगी आपकी बात नहीं करी, लेकिन आपको किसी से मिलकर अजीब लगा हो कि यार इसकी एनर्जीज कुछ अजीब थी? हाँ, एनर्जीज तो बहुत सारी, क्योंकि हसद और जलन जिस तरह से मेरी बहन ने बताया कि सामने जब बंदा आपसे मिलता है ना, हाँ, तो उसमें से वो फील तो 110% आपको आ जाती है ना। हाँ। क्योंकि जिस तरह से उसका मिलना होता है वो आपको बताता है कि ये आपके बारे में क्या सोचता है, बिल्कुल ठीक है, आपके बारे में क्या राय रखता है, यानी कि उसकी वाइब जो है आपको बताती है कि आपके बारे में वो इंसान क्या सोच रखता है, यानी कि रियलिटी है, मिथ नहीं। डॉक्टर बहीम फातिमा की तरफ जाते हैं एक सवाल लेकर बच्चों के हवाले से, ऑब्वियसली क्या जरूरी है डॉक्टर साहब, या ये मिथ है या ये सही बात है कि बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो लाजमी मोशंस होते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है। अच्छा ओके, अब अगर बच्चों के दांत निकलने की एज है तो उसमें बच्चों के जो गम्स होते हैं बेसिकली वो एच करते हैं, खुजली। अच्छा, होती है उसमें, बिल्कुल सही है। तो बच्चे जो हैं फिर वो हर चीज जो देखते हैं वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ तो उससे मैं तो कह रही हूँ बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे। हाँ नहीं, अगर बच्चे बड़े हो जाए तो वो एक अलग मसला होता है, वो अलग मसला है, वो नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। पेरेंट्स की ना ये मिथ होती है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो हम मतलब पेट खराब हो रहे हैं। बेसिकली वो टाइम सेम टाइम होता है जब बच्चों को हम नई नई गिजायात इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, बिल्कुल सही है। तो कोई गिजा उनके स्टमक को सूट करती है, कोई नहीं करती, ये मेन रीजन है उस वक्त पेट खराब होने का या सेहत गिरने का, दांतों का कोई रीजन नहीं होता। हाँ ठीक है, बीइंग अ डेंटिस्ट, इसी बच्चों की बात हो रही तो बड़ी अच्छी बात की फेयर ने, साथ साथ बच्चों के दांत टेढ़े हो जाते हैं वो कुछ इनहेरिटेंस में भी आते हैं या उनकी उनका अपना बिल्कुल इंडिविजुअल केस है? अब एक चीज होता है कि दांत टेढ़े जो जब आ रहे होते हैं ना तो वो आते ही थोड़े टेढ़े हैं, ठीक, एक नेचुरल प्रोसेस है ये, बिल्कुल पीछे से आएंगे आगे और थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं और फिर वो स्ट्रेट जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं घबरा के कि डॉक्टर साहब ये टेढ़ा दांत आ रहा है इसका, तो वो देखते हैं फिर कि अगर कोई रिटेन बीडी है जिसके अगर कोई ब्रोकन टूथ है या बीडी से जो ब्रोकन रूट्स होती हैं वो पड़ी हुई हैं, तो वो फिर हम कहते हैं कि ये निकाल दें उससे फिर और ना टेढ़े हो जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो चेकअप बहुत जरूरी होता है, चेकअप बहुत जरूरी होता है और ये बिल्कुल छोटी सी उम्र से एज से ही चेकअप जरूरी होता होगा ताकि पता चले उसके दांत किस तरफ का रुख कर रहे हैं।